हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज है संडे, सुबह के बज रहे 9 शायद से। तो एवरी टाइम का स्टोरी, निकलना था सुबह 7:30-8 बजे, बट कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जो, तो वो तो कैंसिल हो गए। अभी हम जा रहे हैं फिलहाल अपने साथ वही अपनी रोज की पब्लिक, सागर है, दीपक है, देन प्रथमेश है और ये साइड आकाश है। आपको आगे जगह दिखाता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं अमरनाथ, आपको पता तो चल ही गया रहेगा, जा रहे शिव मंदिर में और बारिश बहुत तेज है, पर हमारे ड्राइवर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो हम जा रहे हैं अभी वहां जाके आपको मिलते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली अमरनाथ शिव मंदिर के यहाँ पहुंचे, पीछे गाड़ी पार्क की है, अभी मंदिर में जा रहे हैं। सामने मंदिर है, मेरे पीछे अगर देख सकते हो तो वहाँ पे मंदिर है। अभी जाते हैं मंदिर में और देखते। तो आपने देखा हम तो आए कार से, आप बाय ट्रेन भी आ सकते हो एंड अमरनाथ स्टेशन से आपको कुछ रिक्शा मिल जाएगा 30-40 रुपए में। पर अभी बारिश है तो बारिश के टाइम में मैं बोलूँगा बाइक से या फिर कार से बहुत अलग मज़ा आएगा, स्पेशली आप अगर बाइक राइड करके आ रहे हो तो। इसलिए अभी आप अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे चप्पल स्टैंड भी, आप यहाँ पे चप्पल निकाल सकते हो। एंड ये रहा मंदिर, हम मंदिर में पहुंच गए, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो अमरनाथ का शिव मंदिर। अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, पूरा वीडियो शूट कर। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वह स्वयंभू प्ररूप का है, इसका मतलब स्वयं प्रकट हुआ है, इसे किसी ने बनाया स्थापित नहीं किया गया। ये शिवलिंग मंदिर के द्वार से 8 फुट नीचे है। अमरनाथ के शिव मंदिर को अमरेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कोई कलश नहीं है और आसमान वहाँ से साफ दिखाई देता है। आसमान का संस्कृत शब्द अंबर है, इसलिए इसे अमरेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है। तो हमारा दर्शन लेके हो गया है। एंड वन मोर थिंग, अंदर जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे आपको शूट करना अलाउड नहीं है। अगर कोई नहीं रहेगा तो आप शायद से शूट कर सकते हो, बट अभी मैं था तो अभी पंडित थे अंदर, तो उन्होंने कहा कि कैमरा अलाउड नहीं, शूट कर नहीं सकते। तो अंदर का सेक्शन जितना आया उतना ही गया, बाकी आप बाहर से देख सकते हो। और ये सच ही बोलूँगा मस्ट विजिट प्लेस है, आप यहाँ पे जरूर आइए। अमरनाथ स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम 1/2 आवर लग जाएगा आपको स्टेशन से अगर आप ऑटो से आ रहे हो तो। वे मंदिर के ऊपर जो कारीगरी है उस पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जो कि बहुत सुंदर दिखती हैं। मंदिर के क्षेत्र में एक पानी का कुंड है जिसमें बहुत सारे कछुए हैं। अमरनाथ का ये शिव मंदिर इसलिए खास है बिकॉज ये पूरा टॉप टू बॉटम एक सिंगल स्टोन में बनाया गया है। जी हाँ, जो पूरा मंदिर एक सिंगल पत्थर से बनाया गया है पूरा, और ये 1060 AD में बनाया गया था 11th century में किंग शिलाहारा चित्त राजा ने, और बाद में वापिस रीबिल्ड किया गया था उनके सन के द्वारा। तो आप देख सकते हो इसका बहुत ही स्पेशलिटी कि एक सिंगल पत्थर से बनाया गया पूरा, आपने स्कल्पचर्स देखा, मैंने वीडियो में देखा है, तो बहुत ही कमाल की बात है। और जो हेरिटेज साइट है यूनेस्को, उन्होंने भी इसको उनके जो मोस्ट वर्ल्ड फेमस साइट्स है या फिर टेम्पल्स है इसमें कंसिडर किया गया है। इस मंदिर की और एक खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग पे दूध नहीं बल्कि पानी चढ़ाया जाता है। स्पेशली अगर आप इस मंदिर में मॉनसून में जा रहे हो तो आपको ये जगह और भी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि बारिश में ये जगह पूरा ग्रीनरी से भर जाता है। तो हमारा दर्शन लेके हो गया शिव मंदिर में, एंड मैं सच में बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की जगह है, हेरिटेज प्लेस है, आपको बहुत ही सही लगेगा यहाँ पे आके शिव मंदिर का दर्शन लेके। जो स्कल्पचर है, जो आर्किटेक्चर है, वो देख के भी आपको बहुत ही कमाल का फील हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंगल स्टोन से बनाया गया।
एंड यहाँ पे आना भी बहुत ईजी है, अंबरनाथ स्टेशन से आप ऑटो से आ सकते हो, मैंने बताया आपको। सो ट्रांसपोर्ट मोड भी बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं। एंड मैंने जैसे आपको बताया बारिश में आ रहे हो, तो बाइक राइड बहुत सही स्पॉट है बाइक राइड के। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर।